कपूरथला च राणा गुरजीत सिंह दी प्रेस कॉन्फ्रेंस च आम आदमी पार्टी कपूरथला दी हलका इंचार्ज मंजू राणा ते गंभीर इंजाम। शहर च थां थां लगे गंदगी दे ढेर, सफाई सेवकां दे नगर निगम हुण उन्हां दी गल नहीं सुन रहे। ये सब कुछ मंजू राणा दे कहन ते हो रहा है। गुरजीत सिंह ने भी एक बार फिर धमकी भरे लहजे च आम आदमी पार्टी दे आगू नूं कहा कि उन्हां नूं शराब दी चैकिंग करन दा कोई अधिकार नहीं। इकरारनामा कर लिया अते बाद विच उस कोल रख दिता। ओह तरसेम लून वाले व्यक्ति दी कोठी कोल जाके उसते नजायज कब्जे दी जांच करे। राणा गुरजीत सिंह ने कहा कि जेकर बूटा दे सरपंच ने पर चिट्टा छापिया तां राणा गुरजीत सिंह देख लैणगे। उन्हां मंजू राणा नूं भी अपनी हद अंदर रहण दी सलाह दित्ती। फिर कांग्रेस का राज आया विच एक तुहाडे नौ भी ज़्यादा बदमाश लीडर आया सी इत्थे फड़ा मारता सी कहिंदे मेरे नाल वड्डा गुंडा कोई नहीं। कपूरथले दे लोकां ने उहनूं बर्दाश्त नहीं किया। सो निम्रता नाल चलो, जिथे गलती आ उत्थे दसो, जिथे करप्शन आ उहनां नूं अंदर कराओ, मैनूं कोई इतराज़ नहीं। ड्रग जिहड़े वेचदे आ उहनां दे परचे होने चाहीदे आ, और जे तुसी कहो कि बूटा वाले सरपंच ते तुसी ड्रग दा परचा करा दोगे तो करा के फिर वेखो, नजायज परचा मैं नहीं होण दूंगा। मैं SSP नूं चिट्ठी कढ़न लगा कि आ मनशा आ, रिकॉर्डिंग आ साढ़े कोल, लोकां जाके तुसी कहने मैं तेरे ते ड्रग दा परचा कराऊं, तो असीं चुप बैठे रहांगे जिन्हां लोकां ने वोटां पाईआं। मैनूं मानदा इत्थे तां कानून ठीक है, तुहाडा राज आ, उहनूं आनंद माणो, दबके ना मारो। एक गरीब आदमी तरसेम दे, तरसेम चंगा माड़ा उत्ते परचा हो जूगा जिदन वह फड़िया गया, राणा नहीं वो नाल। लेकिन वो जी जो झोंपड़ी नजायज बनी आ तो वो अंदर तुम नहीं जा सकते, तुम जाके किंतु परंतु नहीं कर सकते। यू कैन ओनली कंप्लेन एंड योर गवर्नमेंट इज देयर, देल टेक एक्शन, लेट देयर बी एक्शन। किसी एक व्यक्ति विशेष का मकान ढाण की गल नहीं आप कर सकते, या वह छप्पर ढाण की गल नहीं कर सकते। सारा शहर क्लीन करो, मैनू की इतराज है, लगो अगे। शहर दी मैं फिर आना चाहना, अज सफाई दे उत्ते वही 4-5 लाख रुपया किराए दे ट्रैक्टर ते ठेके ते अपने जिहड़े मजदूर लैके ते वह खर्चा उन्ना ही हो रहा। कौन कर रहा? कहिंदे जी कमाई कमेटी दे सफाई सेवक कर रहे हैं। यार सफाई सेवक ठेका थोड़ा ना ले सकते हैं। सफाई सेवक या ईओ अपनी मर्जी ना मजदूर थोड़ी ना ले सकता, ट्रालियां थोड़ी ना ले सकता। ये पुछो इन्हों, जो हम तुम पूछण से ही आए हो, ये थोड़ी शायद सारा कुछ हो रहा। और तुम एक माहौल शहर च बनाना चाहते हो कि लोग कहन कि भी शहर गंदा, भाई शहर गंदे करन चाहते तुहाडा, तुसी बिल्कुल इंटरफेयर करना बंद करो। लोगों को वही सहूलत देंगे जिहड़ियां असीं इलैक्शन तो पहलां दिंदे सीगे। उदों भी शहर गंदा हुंदा सी, किते गंदा किते साफ। जिथे गंदा हुंदा सी असीं चढ़ाई करी दी सी, अज तुहाडे सफाई सेवक गल ही नहीं सुन के राजी। सो मैं बीबी जी नूं बेनती करांगा कि तुहाडे को पूरा राइट है, लेकिन अपनी लिमिट्स जरूर देख लो कि लिमिट्स किन्नियां। उन्हां लिमिट्स रहिंदे होए तुसीं अपनी राजनीति करो, असीं अपनी राजनीति कर रहे हैं। देखो ये राणा जी सरासर गलत बयान दे रहे हैं। जो कपले 22 साल च राणा जी के टाइम के विच होए उन्होंने मैं सुलझाने की कोशिश कर रही हैगी। उहदा एग्जाम्पल मैं तुहानू दसदी हाँ कि नवंबर महीने के कारपोरेशन वालों 5 लाख रुपए की फॉगिंग दिखाई गई हैगी है। एग्जैक्ट अमाउंट हैगा 4,88,000 समथिंग, जबकि एक सिंगल फॉगिंग कपूरथले के विच नहीं हुई हैगी। और उस तो पहला 2 महीने पहला 25 लाख रुपया दिखाया गया, अकाउंट च पाया गया कि सीवरेज साफ किए जलंधर के ठेकेदार ने। उस तो 2 साल पहला 25 लाख रुपया होर अकाउंट के विच पाया कि उस ठेकेदार ने 25 लाख के सीवरेज साफ किए ने। 50 लाख रुपये की एंबेजलमेंट हुई सीवरेज साफ करने के नाम पर,
ਅਤੇ 488,000 ਦੀ ਐਂਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਫੋਗਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਪਲੀਜ਼ ਸੀਵਰੇਜ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ 27 ਕਰੋੜ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਸ਼ੀਵਰ ਠੇਕੇ ਦਾ, ਉਹ 15 ਬੋਰੀਆਂ ਰੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, 1 ਬੋਰੀ ਸੀਮਟ ਦੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਹੌਦੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ, ਜਿਹੜੀ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਸ਼ੀਵਰ ਠੇਕੇ ਦਾ, ਉਹ 15 ਬੋਰੀਆਂ ਰੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, 1 ਬੋਰੀ ਸੀਮਟ ਦੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਹੌਦੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਰੁਕ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ 22 ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡੇ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਇਹ ਕੁਸਚਨ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 1.25 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, 1.25 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਈ।